أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گاس کھاتا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ
कहना के हिसाब बहुत सख्त है, फिर ये ना कहना के हिसाब बहुत सख्त है। ए इंसान अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर। ए इंसान अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर। वो अभी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया, वो अभी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। उठ बंदे बांध कमर, उठ बंदे बांध कमर, क्या डरता है फिर आगे आगे देख, अल्लाह क्या करता है फिर आगे आगे देख, अल्लाह क्या करता है। मोहब्बत से, अदब से, अजमत से और इस इस्तेहजार के साथ कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौत तक कसरत से, अदब से, अजमत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज्जज उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह पाक मुझे और आपको देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं और हर वक्त देखते हैं। मैं और आप अल्लाह की नजर में हैं। थोड़ा सोचो कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, उसी के घर में हम बैठे हुए हैं, इसीलिए फरमाया जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। अल्लाह पाक हर वक्त हमें देखते हैं। अगर ये बात याद रह जाए तो हमारे लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाए, सुन्नतों पर चलना आसान हो जाए, अजान के साथ मस्जिद में आना आसान हो जाए और हमारे नबी की नकल उतारना हमारे लिए आसान हो जाए, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, कुर्बानियां देना, सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएं अगर ये यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहे हैं। यूं फरमाया, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, कि गुनाहों का तसव्वुर भी खत्म हो सकता है, सिर्फ गुनाह ही। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। एक शख्स है, उसकी आदत है चोरी करने की। एक मर्तबा वो
एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में गया। चार माले का, फोर्थ फ्लोर का वो शॉपिंग मॉल था। अब वो जब फोर्थ फ्लोर पर गया, चौथे माले पर गया, सारी चीजें खुली रखी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, कोई निगरानी करने वाला नहीं, वहां कोई सेट नहीं, सारी चीजें खुली रखी हुई है। उसके साथी ने कहा, भाई साहब आप तो रात के अंधेरे में चोरी करते हो, आप तो रात के अंधेरे में चोरी करते हो, तो आपके लिए तो अब खुला मैदान है, चौथा माला है, सारी चीजें भी खुली हुई है, चोरी का पूरा माहौल तैयार है, अब आप क्यों चोरी नहीं कर रहे हैं? आप तो रात के अंधेरे में चोरी कर सकते हैं, तो आपके लिए तो सारी चीजें ओपन है, सामने रखी हुई है। चोर ने क्या कहा पता है? ये सारी बातें तो आप करते हो, देखो सामने क्या लिखा हुआ है। यूं लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, यहां कोई नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के सेट देख रहा है। एक पक्के चोर को इस बात का इंतजार के सेट देख रहा है, चोरी से बचा रहा है, डरता है, चोरी नहीं करता। तो एक बंदे को अगर ये यकीन हो जाए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, क्या वो भी गुनाह कर सकता है? क्या वो भी भला कोई तकब्बुर कर सकता है? क्या वो भी कोई अकड़ सकता है? अल्लाह मेरा अजीजो, बयानात तो बहुत सुन लिए, लच्छेदार तकरीरें भी बहुत सुन ली, अब वक्त है अपनी जिंदगी को चेंज करने का। अब वक्त है स्पीड के साथ साथ अपनी ब्रेक को मजबूत करने का। एक होता है गाड़ी में एक्सलेटर और एक होती है ब्रेक। यहां से बूझ जाना है और एक्सलेटर 20 40 स्पीड, 60 80 100 120 140, जितना भी एक्सलेटर हो, अगर यूं समझो कि 200 की भी स्पीड है आपके पास लेकिन ब्रेक फेल है, तो आप यकीन मानो 1 किलोमीटर बाहर नहीं जा सकोगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी स्पीड मजबूत नहीं है, 20 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, लेकिन ब्रेक मजबूत है, आधे घंटे की जगह 2 घंटे में लेकिन भूज जरूर पहुंचोगे। तो नेकी का करना ये एक्सलेटर है। और अच्छा, नेकी का करना ये एक्सलेटर है और गुनाहों से बचना ये ब्रेक है। अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारी ब्रेक एकदम कमजोर होती जा रही है। एक्सलेटर स्पीड बढ़ती है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया 20 की 40 हो गई, कुछ नफली आमाल और बढ़ गए, कोई बुजुर्ग की सोहबत उठाई तो 40 की 60 हो गई, फिर और किसी का बयान सुन लिया और दिल पे बात लगी तो 40 60 की 80 हो गई। लेकिन हमारी ब्रेक जो है, ब्रेक ये कमजोर है। और ब्रेक अगर मजबूत हो जाए तो ये तकवा है। और अल्लाह के वली कौन? तो कहा तकवे वाले, गुनाहों से बचने वाले। इन उसके वली वही होते हैं जो तकवे वाले होते हैं। ये नहीं फरमाया कि उसके वली वो होते हैं, वही होते हैं, वही इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके वली वही होते हैं जो तकवे वाले होते हैं, लखवे वाले नहीं। कि जलवत में लोगों के सामने तकवा और तन्हाई में लखवा वली। अल्लाह ताला किसके आमाल को कबूल फरमाते हैं? फरमाया मुत्तकियों के। ये भी अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। और जब बड़ा आदमी कोई बात कहे ना, तो उसकी बात का वजन ज्यादा होता है। और अगर कोई बड़ा आदमी एक सांस में वही बात 2 मरतबा कहे, तो उसका वजन और बढ़ जाता है। अल्लाह ताला एक आयत में 2 दफा तकवे का हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह,
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. पूरे कुरान को अल्लाह ने तकवे से सजा दिया है, तकवा 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 तकवा, जैसे हमारे यहां मिठाई को ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं, ऐसे अल्लाह ने पूरे कुरान को तकवे से सजा दिया है। अल्लाह से दुआ करें, अपनी कोई भी दुआ में ये दुआ जरूर मांगे कि ए अल्लाह मुझे भी जलवत और खलवत में तकवा आता फरमा। मुझे क्या आता फरमा? तकवा आता फरमा। एक बुजुर्ग के कई मुरीदीन थे, एक शख्स नया नया आया हुआ था, कुछ ही दिन हुए हजरत ने उसको खिलाफत दे दी। दूसरे मुरीदीन को हसद हुआ कि ये तो अभी नए नए आए हुए हैं, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और इन्हें खिलाफत दे दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सुपुर्द कर दी गई, क्या बात है। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था, समझ नहीं आता। हजरत ने बहुत सी मुर्गियां मंगाई, मुर्गियां, और मुर्गियां मंगवाने के बाद सबको दे दी और कहा कि ये आपके शेख का हुक्म है कि आप लोग सब इसको जुबा करके लाना। लाओगे? बोले हाँ। ऐसी जगह जुबा करके ले आना जहां आपको कोई देखता ना हो। तो हजरत का हुक्म था, सारे मुरीदीन बड़े खुशखुशाल कि बड़ी मुद्दतों के बाद हमारे हजरत ने हमें कुछ काम दिया है, चलो चलते हैं। कोई दरख्त की आड़ में चला गया, कोई कमरे की आड़ में चला गया, और कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पहाड़ के पीछे चला गया। एक एक करके आने लगे कि हजरत आपने जो मुर्गी दी थी, जो कुकड़ी दी थी, देखो हम इसको जुबा करके ले आए। सब आ गए। बड़ी देर के बाद मुरीद भी आ गया जिसे हजरत ने खिलाफत दी थी। हजरत ने कहा भाई ये सब जुबा करके लाए, आप नहीं लाए क्या? आपको हमारे हुक्म का पता नहीं था? हजरत आपके हुक्म की अजमत तो मेरे सर आंखों पर थी, लेकिन क्या बताऊं हजरत आपको, बहुत सी जगह गया, कई जगह में यहां गया वहां गया, जहां भी गया मेरा अल्लाह मुझे देखता था, मुझे कोई ऐसी जगह ही ना मिली जहां अल्लाह ना देखता हो। मेरा मुरीदो देखो इसलिए इनको खिलाफत दी है, इनको इस बात का इस्तेहजार है कि अल्लाह देख रहा है। कितनी मर्तबा अल्लाह वाले आंख बंद करके बैठे हुए होते हैं कि मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कौन अल्लाह? जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, वो अल्लाह देख रहा है। और वो وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, और वो मेरी शहर रख से भी ज्यादा करीब है। थोड़ी देर के बाद एक वजद आता है, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह देख रहा है मुझे? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कभी कभार ऐसा वजद तारी हो जाता है कि वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरा रब देख रहा है, मैं किस नियत से बोल रहा हूं वो मुझे भी देखता है, और आप किस नियत से सुन रहे हो वो आपको भी देखता है। बयान तो हो जाएगा और अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा होगा। दीन की बात तो अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है? दीन की बात भी बुरी हो सकती है। तो अब बयान अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, इस फिक्र में तो जिंदगी गुजर गई। अब तो जिंदगी को चेंज करने का वक्त है, अब तो तौबा करने का वक्त है, अब तो अपने आप को अल्लाह के सामने सिलेंडर कर देने का वक्त है, अब तो उससे दिल लगाने का वक्त है। अभी तक तो फिक्र दुनिया करके देखी ए इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी तो तू परेशान हो चुका है, तू डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अब फिक्र उकबा करके देख, अब आखिरत की फिक्र करके देख, छोड़ कर अपने फिक्र सारे, जिक्र मौला करके देख, अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। ए इंसान जब सब को तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अल्लाह की तरफ
अब रब को अपना करके देख, अब अल्लाह को अपना करके देख, अब अल्लाह से सुलह करके देख, अब अपने दिल की तार अल्लाह से जोड़ करके देख। अभी तक तो तूने नजरें उठाने का मजा चखा, अब जरा नजरें झुकाने का भी मजा चख करके देख। अभी तक तो तूने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट का मजा चखा, अब जरा अल्लाह के कुरान का भी मजा चख करके देख। ए इंसान, अभी तक तो तूने मीठी नींद का मजा चखा, अब जरा रात के आखिरी पहर में अपनी मीठी नींद को कुर्बान कर करके देख। अभी तक तो तूने दुनिया की मीठी नींद का मजा चखा, अब जरा कब्र की मीठी नींद की फिक्र तो कर करके देख। अभी तक तो तूने घर का मजा चखा, घर के आराम और राहत का मजा चखा, घर की फैसिलिटी का मजा चखा, अब जरा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां तो दे करके देख, और ये चटाइयों पर सोने का मजा तो देख। कई स्टार लोग कहते हैं 5 स्टार होटल में भी ठहरा, 7 स्टार होटल में भी ठहरा, लेकिन जब मैं अल्लाह के रास्ते में निकला तो जो चटाइयों पर सोने का मजा आया वो ना मुझे 5 स्टार होटल में आया, न 7 स्टार होटल में आया। सुभान अल्लाह। अल-मुमिनु फिल मस्जिद कस्समक फिल बाब। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है, एक बुजुर्ग का कौल है कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा कि मछली पानी है। मछली को आप पानी से निकालो, बंगले में रखो, शोरूम में रखो, बाइक पर रखो, कार में रखो, मर्सिडीज में रखो, दुबई ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, कनाडा ले जाओ, फ्रांस ले जाओ, कहीं भी आप ले जाओ, मछली हमेशा तड़पती रहेगी, बेचैन रहेगी। इतनी फैसिलिटी में है और बेचैन है का मछली को फैसिलिटी नहीं चाहिए, मछली को तो पानी चाहिए। अपने करीब हौज है वहां डाल दो, मछली खुश हो जाएगी, अपनी मस्ती में मस्त हो जाएगी और अपनी तरावट में आ जाएगी और अपनी चाल चलने लगेगी। ए इंसान, तू अल्लाह को नाराज करके चाहे दुनिया भर की नेमतें तेरे पास हो, बहारें तेरे पास हो, घर तेरे पास हो, बंगला तेरे पास हो, गाड़ियां तेरे पास हो, ये दुनिया की जो इज्जत धोखा है वो तेरे पास हो, यहां की शोहरत, यहां की इज्जत भी धोखा है, यहां की शोहरत भी धोखा है, मेरे अजीजों सारी बहारें तेरे पास हो और तुझे अल्लाह न मिला तो तुझे कुछ न मिला। मेरे अजीजों अल्लाह मिला, अल्लाह मिला, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। अल्लाह को पाकर, अल्लाह को पाकर, अल्लाह को पाकर पाया के नहीं, वो हर कोई अपने दिल से पूछ ले। अभी तक पाया के नहीं, वो हर कोई अपने दिल से पूछ ले। अभी तक पाया के नहीं, अल्लाह दिल में आए के नहीं, अल्लाह दिल में समाए के नहीं, क्या वो तन्हाई का रोना नसीब हुआ या नहीं, या सिर्फ जलवत में मजा आती है, खलवत में मजा नहीं आती। देख दुनिया के आशिकों को, उन्हें खलवत में मजा आती है, घंटों बात करने में उन्हें पता नहीं चलता, वो उनका एक इश्क मजाजी है, उसमें ऐसे डूबे हुए हैं, और तू इश्क हकीकी में है, खुदा से तूने इश्क किया हुआ है, अल्लाह से तूने मोहब्बत की है। मेरा अजीजों महरूम कौन, यूं फरमाया, जिसके पास 9 घंटे की रात हो और जिस 2 रकात तहज्जुद की न पढ़ सके। महरूम कौन, जिसके पास 3-3.5 घंटे का वक्त हो, 2-4 रकात इशराक की न पढ़ सके। महरूम कौन, जिसके पास चाश का वक्त हो और 2 रकात चाश की न पढ़ सके। महरूम कौन, जिसके पास मगरिब के बाद 1 घंटा हो और अव्वाबीन न पढ़ सके। महरूम कौन, जिसके पास पूरे 24 घंटे हो और 1 पारा अल्लाह का कुरान न पढ़ सके। महरूम कौन, जिसके अल्लाह ने 24 घंटे में 5 वक्त नमाजें फर्ज की हो फिर भी वो नमाजों में ना आए, वो महरूम है। अल्लाह हैया अल फलाह, आ जाओ ना कामयाबी की तरफ। हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ए दुकान में कामयाबी को तलाश करने वालों, खेत में काम
कामयाबी को तलाश करने वालों, नरम नरम बिस्तरों पर कामयाबी को तलाश करने वालों, रुपये पैसे में धन दौलत में कामयाबी को तलाश करने वालों, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बुलाता है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तो रोजाना हमें पांच वक्त पुकारती है, अल्लाह का मुनादी पुकार करके कहता है आ जाओ अल्लाह के घर में, अल्लाह के शाही दरबार में, अपनी पेशानी को अपने मालिक के सामने, अपने खालिक के सामने, अपने पालनहार के सामने झुकाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है, अल्लाह माफ कर देने के लिए भी तैयार है, अपना बनाने के लिए भी तैयार है, सुना कर लेने के लिए भी तैयार है, दिल की तार जोड़ देने के लिए भी तैयार है, यहां तक कि अब्दाल कुतुब और गौस तक के मकाम तक ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका कोई वजीर भी नहीं, उसका कोई मुशीर भी नहीं, उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मांगने वाले का है, रोने वाले का है, हाथ फैलाने वाले का है, दामन फैलाने वाले का है, रात के आखिरी पैर में वो तो एक फरिश्ते से ऐलान करवाता है, हल मिन साइलिन फअतियाला, हे कोई सवाल करने वाला के जिसको अता किया जाए, हे कोई मगफिरत का चाहने वाला कि जिसकी मगफिरत की जाए, वो अल्लाह जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो तो देखे खुश होता है, वो अल्लाह खुद ही ऐलान करवा रहा है, हे कोई सवाल करने वाला के जिसको अता किया जाए। सुभान अल्लाह, जिस वक्त सवाल हो रहा होता है उस वक्त हम सोए हुए होते हैं, रातों को उठ के अल्लाह से लेंगे नहीं, सुबह उठ के मखलूक के खुदा को देंगे क्या। हमें यूं फरमाया, दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़े हुए लोगों, मेरा अजीज सुनो, इतना अहम काम, इतना ऊंचा काम, लेकिन हमारे मशाइख ने यह फरमाया कि तहज्जुद से इशराक तक का वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए, तहज्जुद से इशराक का वक्त अपने अल्लाह को दो, उसके बाद ढाई घंटे की मुलाकात है, उसके बाद मेहनतें हैं, पहले अल्लाह से लोगे नहीं, सुबह उठ के मखलूक के खुदा को दोगे क्या। मौलाना साहब, अल्लाह के खजानों के तो दरवाजे बंद होते ही नहीं, एक बात याद रखना, बेशक बंद नहीं होते लेकिन ऐलान सिर्फ रात में ही होता है, ऐलान सिर्फ रात में ही होता है, वो तो जब भी मांगो देगा, ऐलान कोई और वक्त नहीं होता, बल्कि यूं समझो कि दरवाजा ही नहीं है, हर वक्त खुले हुए हैं, देने के लिए तैयार है। कहां खुले हुए हैं, हमें तो नजर नहीं आते, ओ भाई तहज्जुद पर ये देगा, फजर की दो रकात सुन्नत दुनिया व माफिया से बेहतर है, और फजर की नमाज से इशराक तक अल्लाह के जिक्र में बैठे, इशराक की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ये देंगे, एक एक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पर ये देंगे, और एक एक दुरूद शरीफ पढ़ने पर इतना बड़ा इनाम, और जोहर पहले की चार रकात सुन्नतों का सवाब, वो तहज्जुद की नमाज के बराबर, और माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखने का सवाब, और अव्वाबीन के पढ़ने का सवाब, ये सब खजाने हुई तो है, दे ही तो रहा है, इस तरह अल्लाह की कोई हद नहीं और अल्लाह के खजाने की भी कोई हद नहीं। कहां है मांगने वाले, कहां है रोने वाले, कहां है अपने दामन को फैलाने वाले, मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहें किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज, अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज। वो अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, उसको अपने बंदों से बड़ा प्यार है, मेरे और आपसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्ब, ए आदम की औलाद बेशक मैं तुझसे प्यार करता हूं, बेशक मैं तुझसे प्यार करता हूं, इब्न आदम, ए आदम की औलाद इन्नी लका मुहिब्ब, बेशक मैं तुझसे प्यार करता हूं। आगे का जुमला मुझे याद नहीं, शायद इस तरीके से है, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर।
प्यार के लिए मोहब्बत के लिए हाथ बढ़ा रहा है और हम शैतान से ही हाथ मिलाते रहे और कहे अल्लाह नहीं मिल रहा। कहते अल्लाह से मोहब्बत है और तन्हाई में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये मोहब्बत है, ये तो शैतान से मोहब्बत है। कहते जन्नत में ही जा रहा है लेकिन जन्नत वाले काम ही नहीं करते, जहन्नम से बचना है गुनाहों से नहीं बचते। अल्लाह से सच्ची दोस्ती है, तन्हाई में गुनाहों से नहीं बचते। शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन उससे दुश्मनी नहीं करते, उससे दोस्ती करते हैं। जुबान कुछ और है, दिल कुछ और है, क्या बात है का हर वक्त अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। और एक तो हम अपनी मौत के और अपनी कब्र के करीब जा रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर जवान बदी जा रही है। हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, हर दिन जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है, हर रात जिंदगी की एक रात कम हो रही है, हर सेकंड जिंदगी की एक सेकंड कम हो रही है। मेरे अजीजो ये तो मौका है अल्लाह को मनाने का। मैं और आप हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह को बड़ा करीम पाएंगे। एक बुजुर्ग बाजार में जा रहे थे, एक बुजुर्ग बाजार से गुजर रहे थे, किसी ने कहा हजरत आप बाजार में क्या कर रहे हो? कहने लगे बेटा यहां सब ताजिर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, यहां बाजार में जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनकी अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह से सुलह करा रहे हो? कहा अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। हो गई सुलह? क्या बताऊं, अल्लाह सुलह करने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन ये लोग सुलह करने के लिए तैयार न झूठ छोड़ने के लिए तैयार, न धोखे से बचने के लिए तैयार, न ऐब बताए बगैर। अल्लाह अकबर, वो एकदम तैयार है, ये सब तैयार नहीं। अच्छा, एक वक्त के बाद वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में लग रहा है, वही बुजुर्ग कब्रिस्तान में लग रहा है। हजरत क्या करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? ताकि अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा। ओ अभी तो बाजार में करा रहे थे, वहां तो बंदों ने की नहीं और अब यहां ये कब्र वालों की सुलह करवा रहे। कहा अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। हो गई? कहा आज ये सब तैयार है लेकिन आज अल्लाह तैयार है। ये सब तैयार है, बिल्कुल तैयार है, पूरे उसके दीवाने होने के लिए तैयार है, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करने के लिए तैयार, ये सब तैयार है लेकिन आज अल्लाह बिल्कुल भी तैयार नहीं। क्या बात है, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। रिजल्ट के वक्त कोई रोए उससे भी काम चल जाता है क्या? सर कहता है बेटा पहले मेहनत करनी थी, एग्जाम से पहले ट्यूशन जाना था, रात को पढ़ने बैठना था तो आज तेरा अच्छा नतीजा आता। रिजल्ट के वक्त रोने से कोई फायदा नहीं, अब तो वक्त चला गया, अब आप फेल हो चुके हैं और यह आपका रीजन है। फेल होने के वक्त तो हर कोई अफसोस करता है। तो मेरा अजीज हो क्या इरादा है, मरने के बाद ही अफसोस करेंगे क्या? दोबारा जिंदगी मिलेगी क्या? ये दुनिया धोखे का घर नहीं? कहां है हमारे परदादा, कहां है उनके अब्बा, कहां है उनके अब्बा, कहां है उनके खेत, कहां है उनके घर, कहां है उनके बिजनेस, कहां है उनके मकानात, कहां है उनका वो गुस्सा, कहां है उनका वो रौह, कहां है उनका वो दबदबा, कहां है कच्छ में रहने वाले 150 साल पहले वाले, 200 साल पहले वाले इंजीनियर कहां है, 300 साल पहले वाले अल्लाह वाले कहां है, और 400 साल पहले वाले प्रोफेसर कहां हैं, कहां चले गए ये सब? ये जहां गए हैं वहां मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी,
ये तो मालदारी में भी गुजरेगी, गरीबी में भी गुजरेगी, खुशी में भी गुजरेगी, गमी में भी गुजरेगी, सेहत के साथ भी गुजरेगी, बीमारी के साथ भी गुजरेगी, बहारों में भी गुजरेगी, परेशानियों में भी गुजरेगी, बंगलों में भी गुजरेगी, झोपड़ी में भी गुजरेगी, और खा पी कर भी गुजरेगी, और फाकों के साथ भी गुजर जाएगी, और नेकियां करते हुए भी गुजर जाएगी, और बुराइयां करते हुए भी गुजर जाएगी। ये जिंदगी क्या गुजरेगी, एक दिन आएगा मैं और आप ही गुजर जाएंगे, मैं और आप ही गुजर जाएंगे। उस वक्त ये न कहना कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था, न मेरे पास कोई हल है न आपके पास कोई हल है, आपसे ज्यादा मोहताज मैं हूं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना तो मेरे कान पहले सुनते हैं, मेरे कान आपके कान तो बाद में सुनते, इसलिए मैं भी तौबा करूं आप भी तौबा। और अल्लाह तो कैसे करीम है, ओहो क्या कहने उसके कर्म के। मां का बच्चा कितना भी नाफरमान हो जाए ना, मां का तो प्यारा ही होता है, मां का तो दुलारा ही होता है, कैसे करीम है। कुछ लोग आए हजरत मूसा अला नबी गिना वाले सलातु वस्सलाम के पास, मूसा अलैहि सलाम अल्लाह पाक से बातचीत करते थे। कुरान करीम के छठे पारे में है, वो कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और ये वो जलीलुल कद्र पैगंबर है कि कुरान करीम के 28 पारों में हजरत मूसा अलैहि सलाम का ज़िक्र है, कुरान करीम के 28 पारों में, और अल्लाह इनसे बातचीत करते थे। कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया था अल्लाह ने। लोग आए बनी इसराइल के लोग, हजरत बारिश तो हो नहीं रही, और आप देख रहे हैं इंसान तो इंसान, हैवान भी परेशान हाल है, पहले गाड़ियां तो थी नहीं, ऊंट घोड़े खच्चर, अब आसमान से पानी न बरसे तो जमीन से गल्ला न उगे, तो इंसान तो इंसान, हैवान भी परेशान। हजरत आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से कि अल्लाह आसमान से पानी बरसा दे। हजरत पूरे मजमे को लेकर एक खुली फिजा में जंगल में गए, वाकई का खुलासा सुना रहा, हाथ उठा दिए, ए अल्लाह पानी बरसा, ए अल्लाह पानी बरसा दे, देख तो सही इंसान तो इंसान, तेरी मखलूक जानवर भी परेशान था। इल्हाम फरमाया या वही नाजिल फरमाया, ए मूसा इस मजमे में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाही गुना कर रहा है। मूसा अलैहि सलाम से तो अल्लाह की बातचीत होती थी ना, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मूसा इस मजमे में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाही गुना कर रहा है, अगर वो इस मजमे से निकल जाएगा तो पानी बरसा दूंगा। मूसा अलैहि सलाम का तो जलाल, रौब, दबदबा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, भाई अगर ऐसा कोई शख्स, अल्लाह ने कहा इसका मतलब है इस मजमे में, अगर ऐसा कोई शख्स है जिसने 40 साल से गुनाह ही गुनाह किए और अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह को गुस्ल किया, वो मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते इस मजमे से निकल जाए, उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, अल्लाह भी नाराज हो चुके हैं, और ये अल्लाह ने कहा है, उसे कहो कि वो उस मजमे से निकल जाए, वो निकलेगा तो अल्लाह आसमान से पानी बरसा। कोई निकलने को तैयारी नहीं। थोड़ी देर हुई, आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ और मूसलाधार बारिश बरसा, यहां तक कि सब लोग सैराब हो, सब लोग सैराब हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह आपने कहा था एक शख्स निकलेगा, उसको निकालो फिर मैं पानी बरसाऊंगा, तो इसमें से तो कोई निकला ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी ना, उसी की वजह से अभी बरसा, जिसकी वजह से रोकी थी ना उसी की वजह से बरसा, उसने दिल दिल से हमसे माफी मांग दी, सुलह हो गई। अल्लाह वो कौन है, उस बंदे का नाम तो बता दे। मूसा जब 40 साल से गुनाह करता रहा, जब तक नहीं बताया,
अब तो तौबा करके मेरा हो चुका है, बता दो क्या? वक्त के नबी को अल्लाह ने नाम नहीं बताया, अन्नलहु तौबा, दिल की नदामत ये भी तौबा है। दिल के लिए अल्लाह पाक सॉरी, अब गलती हो गई, अब तो नहीं करना चाहता तुझे नाराज, कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगा, कौन सा बूढ़े के तेरे सामने हाजिर होऊंगा, क्या जवाब दूंगा तुझे, अल्लाह पाक सॉरी अब नहीं करना चाहता। कौन कौन तौबा करता है? सारे हजरात करते हैं सच्चे दिल से। और एक बात और याद रखते, बच्चा कमाना जानता है? नहीं। चलना जानता है? नहीं। बोलना जानता है? पता नहीं। अच्छा बच्चे का कोई काम रुकता है? नहीं। हालांकि न चलना जानता है, न बोलना जानता है, न कमाना जानता है, उसके बावजूद उसका कोई भी काम रुकता नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी है बच्चे के पास? वो कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से उसके हर काम पूरे होते जाते हैं, बगैर कमाई के, बगैर दिमाग के, बगैर मेहनत के, बगैर बोलने के, बगैर समझने के? तो कहा बच्चे को रोना आता है, क्या आता है? रो के अपने हर काम करवा लेता है, और कुछ नहीं आता उसको, और उसका कोई काम रुकता भी नहीं। उसको वक्त पे दूध भी मिलता है, उसको पानी भी मिलता, और जितना बड़ा होता जाता है उसको कपड़े भी मिलते जाते हैं और चीजें भी मिलती जाती है, और पेट दुखता है तो भी अल्लाह उसकी माँ को समझा देता है, उसको चॉकलेट खानी हो तो भी उसकी माँ को समझा देता है। लेकिन हमने देखा कि जब बच्चा खेलता है, माँ घर के कामकाज करती है, खाना बनाती है, जैसे ही रोता है दौड़ के आती है, आगोश में ले लेती है, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, ओ मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ओ मेरे दुलारे, तेरे अम्मी खाना बना रही थी इसलिए रो रहा था ना, तू चल अब तेरी माँ आ गई, तू चुप हो गया, फिर वो चुप हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उसकी अम्मी कहीं गई हुई है आधे घंटे के लिए, बच्चा जोली में सोया हुआ है। ये भी क्या दौर होता है, और एक क्या वक्त होता है बचपने का, और क्या भाई बहनों में आपस में वो मोहब्बतें होती है, साथ बैठना, साथ खेलना, और बचपनों की वो बहार, पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाता है, ना अपनी माँ को याद करता, ना अपनी बहन को फोन करता, वो भी सोचती है कि ये मेरा वही भाई है जिसके साथ बचपना ऐसा गुजरा, ऐसे खेलते थे, क्या वो भूल गए जब हजरत शीमा आई थी, बाता रहती चादर बिछाती थी, आज मेरी बहन हुजूर, वो यूं कहती है कि मैं आपकी बहन। अच्छा हुजूर की तो कोई बहन नहीं थी। फिर जब वो अंदर आई तो कहा कि मैं हलीमा की, मैं भी दूध पीती है और थोड़ी, मैं आपकी रजाई बहन, और हुजूर आपने एक मरतबा मुझे काटा था उसका निशान भी, मैं आपको बकरियां ले चराने ले जाती थी। एक मरतबा कहने लगी, अम्मी मैं बकरियां चराने जाती हूं तो भाई को भी ले जाऊं, माने कहिए बहुत छोटे इन्हें न ले जा। कहा ना अम्मी मैं इनको ले जाऊं। बेटी क्या करेगी कि अम्मी बकरियां इधर उधर भागती रहती है, लेकिन जब भाई साथ होता है तो मैं भी भाई को देखती हूं, बकरियां भी नहीं देखती रहती, मुझे कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होती। जब ये सारी बातें सुनाई और कहा कि मैं आपकी बहन हूं, हमारे नबी ने चादर बिछाई और आज ये विरासत देने के लिए तैयार नहीं, और अपनी पकड़ को जहन्नम का घड़ा बनाने के लिए तैयार है। देखा जाएगा, कहता है देखा जाएगा।
देखा मैंने उनको जिन्होंने विरासत दी, अल्लाह ने उनको कुछ सालों में 10 से 20 गुना नवाज दिया, और उनको भी देखा जो कहने लगे दे दिया था जो देना था शादी पे, अब क्या मांगती है, उनको तड़पते हुए भी देखा, उनके घर में हालात आते हुए भी देखे, उनके घर में जादू होते हुए भी देखा, उन्हें असरात में जकड़ते हुए भी देखा, और उन्हें सब कुछ होने के बावजूद माली गंदगी में भी देखा। यह अब्बा का हुक्म है, यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह उसको देना चाह रहा है तो कौन मना करने वाला, तो कौन रोकने वाला। अभी एक शख्स मिला, कई करोड़ों के मालिक हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे मौलाना साहब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, हमने मेहनत शुरू की, एक एक चीज का हिसाब किया, बता रहा एक एक चीज का, घर की घड़ी तक का भी हिसाब किया, घर की घड़ी का भी हिसाब किया, हमने हमारे मोबाइल का भी हिसाब किया, उसके बावजूद हमने और ज्यादा गिना, और हमारी बहन को बताया कि इतने पैसे तुझे देने के लिए आते हैं, इतना है अभी फिलहाल, इतने सब है नहीं, क्योंकि बंगले के भी पैसे हमने गिने हुए हैं, तो इतने वक्त में आहिस्ता आहिस्ता तुझे दे देंगे, अगर तू मान जाए तो तेरा एहसान है, और अगर तू ना कहे तो बंगला बेच के भी देना पड़ेगा, हम तुझे दे देंगे, लेकिन हम हमारे अब्बा को कब्र में तड़पने देंगे कि क्यों अपनी औलाद को बेदीन बना के गया, क्यों ये वसीयत नहीं लिख के गया, क्यों औलाद को दीनदार नहीं बनाया। वो बाप ऐसा तड़पता है कब्र में और ऐसा मचलता है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे कहने लगे मौलाना हमने हमारी बहन को बिठाया और उसे बात कर दी, इतने पैसे तुझे देने हैं। मौलाना क्या बात क्या की, इस तेजी के साथ जो बिजनेस चला, ऐसी मदद आई, ये 6-7 साल के अरसे में जितना था उससे तकरीबन 16 गुना ज्यादा हो गया हमारे पास, 16 गुना ज्यादा हो गया। वो अल्लाह के हुक्म पे चलेगा, अल्लाह तुझे गरीब कर देगा, तेरे बाप की आंखें ठंडी होगी, अल्लाह तुझे और नवाजेगा, फिर तेरे बच्चे भी तेरी बहन को, तेरे बच्चे बच्ची को हिस्सा देंगे, भाई बहन को हिस्सा देंगे। अगर तूने बहन के हक को दबा लिया, याद रखना इंसाफ का एक दिन आने वाला है और अल्लाह के पास तुझे खड़ा होना है, मुझे भी खड़ा होना है। एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे। खुदा के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, चालबाजी नहीं चलती, चालाकियां नहीं चलती, झूठ नहीं चलता। ऐसा इंसाफ का दिन आने वाला है कि एक बकरी ने दूसरी बकरी के सींग को तोड़ दिया, अल्लाह कल कयामत के दिन ये दोनों बकरियों को जिंदा करेगा और इससे कहेगा कि इसने दुनिया में तेरा सींग तोड़ा था, आज तू इसका सींग तोड़ दे, फिर ये बकरी इसका सींग तोड़ेगी, फिर दोनों को मिट्टी बना दिया जाएगा। जब बकरियों को इंसाफ दिया जाएगा तो मेरे और आपको, अल्लाह का कुरान فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, वो भी देख लेगा। وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। क्या एक दौर होता है बचपने का, भाई बहन आपस में साथ में खेलते हैं, उस वक्त की बहारें हैं, मासूम भी होते हैं, नाबालिग होते हैं। ओहो, एक अजीब बहार देखी, रात कहीं भी सोए हाथ तो बिस्तर पर ही खुलती है। मेरा ससुराल सूरत में है, मैं रहता नवसारी में, कितनी मरतबा ऐसा होता है मेरे बच्चे उसकी नानी के वहां सो जाते हैं, हम उसे गोद में उठाते हैं, गाड़ी में लाकर बिठाते हैं, सुला देते हैं, फिर 30 किलोमीटर का सफर करके नवसारी आते हैं, फिर वो तो सोए होते हैं, उनको उठाकर ऊपर ले जाते हैं, बिस्तर पे सुला देते हैं, सुबह उठ के पूछते हैं अबू सोया सूरत में था नवसारी कहां से, क्या ये हमारे मां बाप ने हमारे साथ नहीं किया, सोए कहीं भी आग तो बिस्तर पर ही खुली। तो क्या बाहर थी, एक आमलेट बनता था 4-5 लोग खा लेते,
कमाने वाला एक, खाने वाले दस, आज कमाने वाले सात, उसके बावजूद भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। बहन को हिस्सा नहीं दिया, बरकतें खत्म हो गई, अल्लाह को नाराज कर दिया। अब करोड़ों पति बनो, अरबों पति बनो, खरबों पति बनो, बाप नाराज तो बाप के घर में अच्छा नहीं लगता, और अल्लाह नाराज तो फिर अल्लाह की जमीन पे अच्छा नहीं लगता। एक मां जरिए के तौर पर पांच छह बच्चे को बड़ा करती है, और पांच छह बच्चे मिलके एक मां को नहीं देख सकते। पांच छह बच्चे मिलके एक मां को जलील कर। पूछा गया था कयामत कब आएगी, कहा था जब माओ को जलील किया जाएगा तो कयामत आ जाएगी, जब माओ को जलील किया जाएगा तो कयामत आ जाएगी। मां ने जो 9 महीने पेट में रखा था वो भी भूल गया। जरा 2 महीने के लिए पेट पर पत्थर बांधकर तो देख, और उस पत्थर के साथ सो करके देख, और उस पत्थर के साथ करवट बदल करके देख, और वही पेट में बंधे हुए पत्थर के साथ घुसन करके देख, और बाथरूम में जा करके देख, और चल करके देख, और घर के कामकाज करके देख, तो तुझे अंदाजा हो जाएगा 9 महीने मां कैसे निकालती। इतना आसान है, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, हजारों बार हमारी गंदगियों को साफ किया, उसी मां को बुला दिया, आज उसको एक सुभान अल्लाह पढ़ के बख्शने के लिए भी तैयार है। रोजाना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मां को ही सारे सवाब करने के लिए तैयार। अजीब हाल है, जिसके मां बाप है नहीं उठ रोते हैं, और जिसके मां बाप है वो सामने बोलने में कोई कसर और कोई कमी बाकी नहीं रखते। मां बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। मां बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। उनको पूछो जिन्होंने अपनी मां का आखिरी बार चेहरे का दीदार किया, उनको पूछो जिन्होंने अपने अब्बा को कफन में लिपटा हुआ देखा, कैसे कंधा दिया वो उनको पूछो, मां को कैसे कब्र में उतारा वो तो जिन्होंने उतारा उसको पूछो। और आज का थोड़ा पढ़ा लिखा, चाहे दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा हो या दीनी एतबार से कुछ पढ़ लिख के कहीं से सनद मिल गई हो, वो फोन पे कहता है अम्मी मुझे वक्त नहीं मिलता आपसे बात करने के लिए, अल्लाहू अकबर कबीरा, क्या उसका दिल छलनी हो जाता होगा कि बचपन में हर वक्त मेरे साथ रहता, माँ बाप जहां जाते वहीं बच्चे चल पड़ते, और आज थोड़ा सा बड़ा हुआ इसके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं, महीना हो जाता है बहन को फोन करने के लिए वक्त नहीं, बच्चे पढ़ाने के लिए वक्त है तेरे पास, हमारे पास दो सहबाब के लिए वक्त है, हमारे बच्चों को घंटों देने के लिए वक्त है, बीवी को पूरी जिंदगी देने के लिए वक्त है, बहन को एक फोन करने के लिए वक्त है, नियाणी की दुआ कहां से कहां पहुंचा है। आप कहेंगे मौलाना ये सारी बात क्यों कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था किस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन जब मस्जिद में आ रहा था मुझे कहा मौलाना ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है। इस्लाह मुआशरा के इतने प्रोग्राम होते हैं फिर भी इस्लाह होती क्यों नहीं मुआशरे की, तो क्या बयान करने वाले रखने वाले सबकी ये सोच होती है कि दूसरे सुधर जाए इसलिए किसी की इस्लाह नहीं होती। जब बोलने वाला सोचे कि मेरी इस्लाह हो जाए, रखने वाले सोचे हमारी इस्लाह हो जाए, सुनने वाले सोचे हमारी इस्लाह हो जाए, तो हर एक की इस्लाह हो जाएगी। आज पूरी दुनिया चाहती है कि सब सुधर जाए मेरे अलावा। बात भी ऐसी है, अपना थूका किसी को इतना बुरा नहीं लगता जितना किसी और का लगता है, अपने ऊपर कोई नजर नहीं, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल, मरना था वही भूल,
इंसान अपने चेहरे को तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर अपने दिल को साफ नहीं रखता जिस पर खुदा की नजर होती है। कई दफा साबुन लगाएगा, जब भी बाहर निकलता है पहले आईने के सामने खड़ा होता है, टोपी सेट करता है, बाल बनाता है, अच्छा नहीं लगता उसको, धब्बा अच्छा नहीं लगता चेहरे पर, इसके लिए दिल को पूरी कचरा पेटी बना दे तो इसको कोई फर्क नहीं। हसद भी इसमें, कीना भी इसमें, बुग्ज भी इसमें, अदावत भी इसमें, नफरत भी इसमें। इसलिए मेरे अजीजों, आज की मजलिस में यह तय करो कि अल्लाह को राजी करके यहां से उठेंगे इंशाअल्लाह। वो तैयार है सुलह करने के लिए, क्या हम तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? अल्लाह करे हम सब की हो जाए। तो बात यहां से चली थी कि बच्चे के पास एक फार्मूला है, उसे रोना आता है, उसका कोई काम रुकता नहीं। अगर बंदे को भी ये फार्मूला समझ में आ जावे और रोना सीख ले, इंशाल्लाह उसका भी कोई काम नहीं रुकेगा, अल्लाह के सामने रोना सीखेगा। और आपको पता है क्या होता है? बच्चे की मां कहीं गई हुई है, यहीं से बच्चे, बच्चे की मां कहीं गई है, उसकी मां सांवले रंग की है, ये रो रहा है, महल्ले की खूबसूरत तरीन औरतें आके उसको गले से लगा दी चुकी है, बेटा बेटा बेटा, बेटा। 6 महीने का बच्चा है, जैसे उसकी मां आती है एक आवाज सुनता है मां का, बेटा चुप हो जा, दुस्के लेना शुरू करता है, खामोश हो जाता है। वारे 6 महीने के बच्चे, तो हमसे भी होशियार निकला, तूने भी अपनी मां को पहचाना, हमने इतने बड़े हो गए अपने खालिक को नहीं पहचाना। 6 महीने दूध पिया, उसकी आगोश में रहा, उसको तूने पहचान, हमने इतने बड़े होकर हमने अल्लाह को। मेरा अजीजो, ये वक्त गुजर जाएगा, इस बात को, इस बयान को नॉर्मल ना लो, सीरियस लो, सीरियस। कल करते करते तो कईयों के जनाजे उड़ते हैं, कई नौजवान सोचते थे बाद में तौबा करेंगे, हालांकि कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बाद में तौबा करेंगे। आज पछता है, आज कोई इनको पढ़ के बख्शने वाला। लास्ट 20 मरतबा कब्रिस्तान गया, 18 मरतबा कब्रिस्तान में एक भी नजर नहीं आया। क्या याद है इसमें से किसी ने अपने परदादा के लिए 10 रुपए इशारे सवाब किए हो? क्या उम्मीद है हमारी नस्लें हमें पढ़ के बख्शेगी? कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा फाड़ोगे। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह वहद, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह वहद, सच्चे दिल से सुबह शाम पढ़ो और बड़े पैमाने पर इशारे सवाब करो कि अल्लाह जितने लोग दुनिया से चले गए, जितने ईमान वाले जितने हैं, जितने कयामत तक आएंगे, सबको इसका सवाब पहुंचा दे। हजरत आदम आला नबी के ना वालिके सदातु वस्सलाम से लेकर आखिरी ईमान वाला आएगा, वहां तक अल्लाह सबको पूरा पूरा एक एक कुरान का सवाब पहुंचा देगा। व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, 5 मिनट की वीडियो है, कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें 50 सेकंड की गई, उसमें 1 मिनट की गई, उसमें 1.5, हर एक में पूरी पूरी चली जाती है। दुनिया वालों के पास ये टेक्नोलॉजी है क्या? अल्लाह के पास नहीं? क्या वो ये नहीं कहता कुरान में, इन्नल्लाह अला कुल्लि शयइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर। इसको कहते हैं डर। जब पूरी दुनिया वालों को पढ़ के बख्शोगे ईमान वालों को, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आलमी काम लेंगे।
आलमी दर्द ना हो फिर आलमी काम कैसे हो। और इस साजिश की एक बात और याद रखना कि कोई भी इंसान पूरी दुनिया में नहीं जाता, उसका दर्द जाता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह कच्छ में नहीं आए, उनका दर्द आया। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब कच्छ में नहीं आए, उनका दर्द आया। पीर जुल्फिकार साहब कच्छ में नहीं आए, उनका दर्द आया। जुनेद जमशेद कच्छ में नहीं आए, उनका दर्द आया। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में नहीं जाता, उसका दर्द जाता है पूरी दुनिया। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो किया। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो बच्चे को क्या चाहिए? तो बच्चे को तो उसकी मां मिल जाए, बच्चा एकदम सुकून में आ जाता है। दूसरी कई माएं आई, उसको गोद में उठाया, बच्चे को करार आया, लेकिन उसकी मां ने जैसे एक आवाज दी और उसको अपने सीने से लगाया, बच्चा चुप हो गया। मेरे अजीजों, बच्चे को मां चाहिए, बंदे को रब चाहिए। अल्लाह को छोड़ के कौन से सुकून की तलाश में हो और कौन सी कामयाबी के इंतजार। एक बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं यार अल्लाह वालों के भी, क्या कहा? जो आरिफ है वो किस आलम में रहते हैं, खुदा जाने। जो आरिफ हैं वो किस आलम में रहते हैं, खुदा जाने। भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या जाने, भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या जाने। सुना है खानकाहों में मोहब्बत के में खाने, दिया करता है साकी आशिकों को जाम पैमाने। आरिफ कहते हैं अल्लाह वालों, अल्लाह को पहचानने वाला। जो आरिफ है वो किस आलम में रहते हैं, खुदा जाने। भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या जाने, भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या जाने। इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तमन्ना दर्द दिल की हो, तमन्ना दर्द दिल की हो, ए इंसान अगर तू अल्लाह की मोहब्बत का दर्द चाहता है, अल्लाह का इश्क चाहता है, अल्लाह का ताल्लुक चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत का गम भी बहुत बड़ी नेमत है। कहा, तेरे गम की जो मुझको दौलत मिले, तेरे गम की जो मुझको दौलत मिले, गमे तो जहां से फरागत मिले। तेरा गम भी मुझको अजीज है, क्योंकि ये तो तेरी दी हुई चीज है। अगर अल्लाह की मोहब्बत का दर्द चाहते हो, फरमाया, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। अल्लाह, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, ये गोहर मिलता लगी बादशाहों के खजीनों में।
बेशक सुभान अल्लाह। जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह वालों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की वो चिंगारी होती है, इसलिए फरमाया तू ये चिंगारी तुझे चाहिए, तो कहा क्या कर, तेरी मोमबत्ती बंद है जिसकी जल रही है ना वहां से लगा दे तो तेरी भी चालू हो जाएगी। इसी को कहा करीब जलते हुए दिल के अपने दिल को कर दे, शायद इसमें भी कोई इलाही की चिंगारी लग जाए। हजरत कारी सिद्दीक साहब पालवी रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात में से कि पहले जो शख्स किसी अल्लाह वाले का गुलाम बनता है फिर वो दुनिया का इमाम बनता है। आपके पास तो हजरत मौलाना इलियास साहब है, फायदा उठाओ, अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाओ, कुर्बानियां भी दो, मशवरे में भी जाओ, मुलाकातों में भी जाओ, आपकी स्पीड मजबूत होगी। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 इनकी खानता में जाओ, आपकी ब्रेक मजबूत होगी। तो एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग की खानता लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि हजरत का आखिरी वक्त है। एक शख्स आया, हजरत आपने मेरे पास इतने रुपए कर्ज लिए थे तो वो दे दो। अरे बिल्कुल देने ही आपको, तो बैठ जाओ देता हूं। दूसरा आदमी आया, हजरत मैंने भी तो आपको कर्ज दिए थे, पता चलता भी आपके हजरत का आखिरी वक्त है और अल्लाह वाले तो देंगे तो सही, हजरत आपका आखिरी वक्त है वो मेरा कर्जा अभी तो नहीं है, आएगा तो दे दूंगा। हजरत अभी आपको कुछ हो गया तो मुझे तो अभी चाहिए। उसके बाजू में बैठ जाओ। ओ बार पता चलता गया, लोग आते गए, हजरत हमारा कर्जा, हजरत हमारा कर्जा, हजरत आपने हमसे ये पैसे दिए थे और हजरत आपने फुलाओ ये काम, ये हुआ था वो हुआ था, जो भी आता तो अभी तो नहीं है, उनके बाजू में बैठ गए। एक लंबी लाइन लग गई, सब खामोश, हजरत के पास है कुछ नहीं देने के लिए और वो लोग इस इंतजार में कि है नहीं देंगे क्या। एक बच्चे की बाहर से आवाज आई, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, शीरीनी ले लो, शीरीनी ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। हजरत ने फरमाया खादिम को उसको बुलाओ। उसको बुलाया, क्या है? तो पूरे खुमचे में मिठाई है, सबको खिला दे जितने बैठे हुए हो। घरों वाले बहुत टेंशन में कि ये भी हमारे पीछे बैठेगा थोड़ी देर। एक तो इतने लोग बैठे हुए लाइन में, बेचारा बच्चा है पता नहीं क्या होगा इसका। वो बच्चा बहुत खुश कि आज तो अभी निकला और मेरा सब मिठाई बिक गई, खुश हो गया बच्चा, सबको मिठाई दे दी। हजरत मेरे पैसे, ये सब पैसे लेने ही बैठे हुए, इसके बाद तेरा नंबर। ओ हजरत मुझे तो अभी पैसे चाहिए, मैं तो मेरी माँ बेचारी परेशान हाल है, कुछ मूढ़ी लेके निकलता हूं और ये मिठाई बेचता हूं, अब जाके दूंगा तो मेरी माँ कुछ खाना वगैरह बनाएगी, हजरत मुझे तो अपने पैसे चाहिए। हजरत ने कहा अभी तो नहीं है। बहुत रोया, बहुत रोया, हजरत अभी दे दो, हजरत अभी दे दो, मेरा क्या होगा, पहले बताना था आपके मुझे। इतने में दरवाजे पे एक आदमी ने दस्तक दिया और कहा कि ये थैली हजरत को दे दो। हजरत ने अल्लाह की मदद आ गई, भाई तेरे ले ले, तेरे ले ले, सबको दे दिए। लेके वो भी जाएंगे, थोड़ी अजीब मंजर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, इतने लाइन में बैठे हुए हैं और मिठाई सबको खिला रहे हैं और आखिर में वो मिठाई वाले को पूछा तेरे कितने हैं? उसने कहा मेरे इतने, पूरी थैली खाली कर दी, गिन ले, कहीं इतने ही है। तो सबने कहा हजरत ये माजरा क्या है? तुम सबको लाइन में इसलिए बिठाया कि कोई एक तो रोवे ताकि अल्लाह की मदद जोश में आवे,
रोया ही नहीं कोई, मुझे लगा ये बच्चा रो देगा, और इसने रोया तो अल्लाह की मदद हरकत ना करी। हमको हमारे सौ काम भी बनाने हैं, अल्लाह वाला भी बनना है रोए बगैर, कैसे बनना? रोना तो पड़ेगा, रोगे अल्लाह के सामने। लाइटें बंद कर दो, लाइट दरबार की सारी लाइट बंद कर दो, लाइट